नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पांडे, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देवरी गांव में आज कबड्डी का आयोजन है। चूंकि आज नाग पंचमी का शुभ अवसर है तो हमारे गांव में कबड्डी का प्रतियोगिता होगा, तो हम आपको कबड्डी देसी लांस चैनल के माध्यम से दिखाते हैं सीधे लाइव। चलिए चलते हैं सीधे मैदान में। नमस्ते, आइए। देवरी गाँव के दोनों टीमों के बीच में कुश्ती होता हुआ, जिस हिसाब से यहाँ लोगों की भीड़ दिख रही है, लोग तो ऐसा रहा है, ये कबड्डी नहीं समझो मैच ही है एक प्रकार से। एक साइड के कैप्टन विवेक दुबे, दूसरी साइड के कैप्टन मुकुंद दुबे काफी अच्छा खेल खेलते हुए। जो कि ये इंजर्ड प्लेयर है फिर भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं विवेक दुबे, आप कुछ उनके बारे में दो शब्द कहिए। रोहित भैया, एज भी उनका काफी ज्यादा है और काफी फुर्तीले हैं वो, एज के हिसाब से बहुत। एज से क्या मतलब है कबड्डी को? मतलब ये था कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनमें, ये एज से तो बहुत दिक्कतें होती हैं, काफी ज्यादा आ जाती है हिसाब से, आदमी अपना बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल नहीं कर पाता। अभी चलेंगे दुधई के पास, ये जो टीम के खिलाड़ी हैं अपनी टीम का प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं इनसे हम पूछना चाहेंगे अपनी टीम के बारे में कुछ। कहिए कैसा भी है ये खेल, खेल क्या ये खेल क्या ये आइए आइए। निर्णायक रेफरी होंगे गणेश कुमार दुबे जी, और आप आपके पॉइंट को लेकर यहाँ पे दर्शक चिंतित है कि आप पॉइंट नहीं ला रहे हैं। ऐसा है कि डिफेंस गेम में पॉइंट की कोई जरूरत नहीं होती है। खेल क्या ये खेल क्या अच्छा खेला है।
जा। बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पे देखते हैं ये पकड़ में आते हैं नहीं। मुझे तो लगता है ये खिलाड़ी कुछ अपने हिसाब से ही खेलना चाहता है। ये तो बहुत खतरनाक है, ये अपने टीम के कैप्टन हैं विवेक दुबे। इनसे डर रहे हैं सब, इनको मत पकड़ो। आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ मैच के बारे में, आप क्या कहेंगे? और बहुत अच्छा मैच हो रहा है, ये देवरी गांव है, यहाँ पे बहुत अच्छा मैच हो रहा है। कबड्डी का नाग पंचमी के दिन बहुत अच्छा भगवान शंकर का मंदिर है, यहाँ लड़के अपना दो चार दिन से प्रैक्टिस में लगे हुए थे और आज खेल रहे हैं। जैसा कि ये गांव के दो हिस्से हैं, एक तरफ जो है अमिलवर बड़गैया पड़ान टाइप में और एक तरफ जो है समंदरिया टाइप में लड़के हैं तिवारी समंदरिया। तो आपको अच्छा, आपको ये मैच देखने में कौन सा टीम ऐसा है जो ज्यादा प्रदर्शन कर रही है? अभी तक आप कुछ नहीं कह सकते, कभी टीम इसका पलड़ा भारी कभी उसका पलड़ा भारी हो रहा है, जबकि एक मैच समाप्त हो चुका है जिसमें इस टीम ने विवेक की टीम ने विजेता हुआ है और वो भी काफ़ी अच्छे लीड से थे, लेकिन बाद में मैच ऐसा पलटा, चार चार पॉइंट लेके बहुत अच्छा मैच को पलट दिया। तो किसी को भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि क्योंकि ये मैच है, मैच को हाँ, कुछ नहीं कहा सकता कि किसका पलड़ा भारी हो जाए। एकदम दोनों टीम कांटे की है और बहुत अच्छा मैच चल रहा है अभी तक, और इधर से विवेक भी अच्छा खेल रहे हैं और इधर क्योंकि वो अपनी टीम के कप्तान भी हैं। अपनी टीम के कप्तान विवेक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विवेक कोई खास खिलाड़ी नहीं है, फिर भी ठीक खेल रहा है, और इधर से भोलू अच्छा पकड़ रहा है, उधर से तिवारी भी अच्छा पकड़ रहे हैं, और देखिए भोलू अभी खेलने भी गए हैं, अब थोड़ा ओल्ड एज हो गया है भोलू का, इसलिए उतना अच्छा अब परफॉर्मेंस नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी टीम में दबदबा है। नौको से अच्छा ही जो एक्सपीरियंस उनका नौको से अच्छा ही है, और इधर से तिवारी बहुत अच्छा पकड़ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप कब जाते हैं गणेश के पास? इनसे हम पूछना चाहेंगे, आप अपनी टीम के प्रदर्शन के लिए खड़े हैं, आप अपनी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, इनकी ही टीम है, ये टीम इनकी है। मेरी कोई टीम नहीं है भाई, यहाँ पे सभी अपने गांव के लोग हैं और आज नागपंचमी के महोत्सव फेस्टिवल जो भी त्यौहार है उसको अच्छे से मनाया जा रहा है अपने गांव में, और यहाँ पे पीयूष पांडे इस गेम का संचालन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, धन्यवाद।